पद्म फेस्टिवल निमित्त पद्मश्री साक्षी मलिक औरंगाबाद शहरामध्ये आल्या होत्या। यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, वैयक्तिक अनुभव सांगत ध्येयावरती प्रेम करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला। तसेच ग्रामीण भागातील खेळाडूंना सुविधा उपलब्ध झाल्यास देशाचे मेडलची संख्या वाढेल असंही त्या म्हणाल्या। जाके जगह जगह फैसिलिटीज तो करवा दो, स्कूल्स में, गांव में, जैसे मैंने बोला है तभी तो बहुत सारे निकलेंगे। आप बाहर चले जाओ, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम यूएस गए ट्रेनिंग के लिए लगभग 15 दिन, तो क्या हुआ, थोड़ा सा बैड लक ये हुआ कि हम क्रिसमस टाइम पे चलेंगे और बाहर तो क्रिसमस का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, तो सारे मेन जो जिस अकेडमी के लिए गए थे वो बंद। आप यकीन नहीं मानोगे, डेली डेली मतलब हमने अलग अलग स्कूल पे जाके ट्रेनिंग किए जहाँ प्रॉपर रेसलिंग मैट था, प्रॉपर सारे इक्विपमेंट थे। डेली हमारे लिए अलग अलग स्कूल खुलता था कि आपको 2 दिन इस स्कूल में परमिशन मिल जाएगी, 2 दिन उस स्कूल में परमिशन मिल जाएगी। हर स्कूल में हर मतलब 10 किलोमीटर दूर पे प्रॉपर मतलब रेसलिंग रेसलिंग नहीं, हर एक गेम का मतलब कॉलेज हो या स्कूल हो प्रॉपर मतलब ऐसा रेसलिंग का माहौल था वहां पे, जैसे हमारा कोई बड़ा सा। तो ये सारी चीज है, अगर इन चीजों में इंप्रूवमेंट होगी तो फिर हमारे ओलंपिक्स में मेडल भी बढ़ेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरे पेरेंट्स का फुली सपोर्ट था कि आप जो भी करना चाहो। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आई थी जैसे स्कूल में जाते थे क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ जरूरी थी, तो बॉय कटिंग होती थी, सबको पता चल जाए रेसलिंग करती है, तो बच्चे मजाक उड़ाते थे कि देख दूध लाई है मैं ऐसे करके। तो मतलब थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगता था, साइकिल पे ट्यूशन पे जाती थी या स्टेडियम में जाती थी तो कोई भी ऐसे कर देता था, लड़का है या लड़की है, तो वो भी पिंच करता था। और पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स ने जब तो नहीं बताया, बहुत सपोर्ट था, लेकिन बाद में बताते हैं कि जो चाचा था मामा कौन से स्पोर्ट्स में डाल दिया या इस आपको मतलब इसको आपने कौन इससे शादी करेगा, इसकी फिजिक खराब हो जाएगी, कैसे लड़कों वाला स्पोर्ट्स में डाल दिया। तो बहुत उन्होंने मतलब मना करने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स, माता पिता, अपना भाई बहन, उनका साथ होना बहुत जरूरी था। मेरे पेरेंट्स का मेरे पूरा सपोर्ट था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और सबसे मतलब एक फनी बात है कि मुझे आज भी याद है, मैं मामा के घर जाती थी, सबको पता तो चल गया कि ये कुश्ती करती है, मामा या नानी के घर जाती थी तो मतलब अजीब से देखते थे कि क्या है, पढ़ क्यों नहीं रही है, कैसे स्पोर्ट्स में डाल दी। और आज वही दिन है, मुझे फोन करके पूछते हैं कि बेटा कब आ रही है, एक सेल्फी तो देने है मुझे। तो इतना चेंज मैंने देखा है और मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, वही लोग आज मिलने के लिए तरसते हैं और पेरेंट्स से पूछते हैं कि साक्षी घर आए तो एक बार प्लीज मुझे बता देना, हमें बता देना, हमें मिलना है। तो बस यही है कि पेरेंट्स का साथ था इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और आप सभी को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स, आप जो भी करना चाहते हो बताओ पेरेंट्स को, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, आपके सुख दुख में आपके सबसे बड़े साथी हैं। तो आप अगर उनको बताओगे तो वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। तो बस यही है कि आप अपना जो भी करना चाहते हो पेरेंट्स को खुल के बताओ और उनका 100% सपोर्ट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया था।